चक्षुन्मील ये न तस्म श्रीगुरव नम श्री, श्री गौरंग श्रीयदचंद्र गाधर श्रीवासादी गौरभक्तवृंद वंशकपतरुभ्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि में हमने 113 नंबर श्लोक पे चर्चा करी थी और रास लीला का उसमें वर्णन चल रहा है पिछली बार हमने रासलीला की चर्चा करी थी आज भी वही रास लीला का ही फिर से श्रीपाद को चिंतन हो रहा है किशोरी जी रास प्रांगण में आने वाली थी और श्रीपाद के हृदय में लीला का विराम हो गया था अभी किशोरी जी पहुंची थी आगे का वो देख नहीं पाए लीला में विराम हो गया फिर प्रार्थना करी कि मैं कब आपको रास लीला में प्रवेश करते हुए देखना देख पाऊंगा और उसी प्रार्थना के फल स्वरूप अगले श्लोक में उन्हें वहीं से लीला प्रारंभ हुई <laughs> कदा सुमणि किंकड़ी वलय नूपुर प्रोलसत महामधुर मंडल अद्भुत विलास रसोत्सवे अपि अपी प्रणयनो बृहत भुज घृत कंठयो वयम परम निज रसेश्वरी लक्ष्म मे उत्कृष्ट मणिमय किंकड़ी वलय वलय मतलब जो कड़े होते हैं जो किंकड़ी वलय नूपुरों की ध्वनि से भरे महामधुर रास मंडल में अद्भुत रास विलास उत्सव वहां जो रास विलास का उत्सव हो रहा है वो कितना अद्भुत है कि जो वहां पे सखियां हैं उनके मणिमय जो कंकड़ हैं जो कंगन है और जो नूपुर हैं एक तो जो कमर में उन्होंने वेस्ट बेल्ट जैसे हम कहते हैं वो पहनी हुई है और दूसरा जो किंकनी है जो कंगन है और जो नूपुर है ये तीन चीज़ों की ध्वनि जो चरणों में पहने जाते हैं नूपुर कंगन और किंकनी ये तीन चीज़ों की ध्वनि इतनी रिदम से बज रही है ऐसा म्यूजिक दे रही है कि इन्हीं का एक बहुत बड़ा जैसे अगर कहीं ढोल बज रहे हों तो कैसी आवाज आएगी एकदम तो वैसे ढोल नगाड़े जैसे बज रहे हो ऐसी आवाज से जो मंडल है वो अद्भुत उसकी ध्वनि आ रही है एकदम ऐसे नहीं है कि यहां पे भी हम आजकल देखते हैं कि जो डांस प्रोग्राम होते हैं उसमें जब डांस करते हैं तो दस लोग अगर कर रहे हैं तो एक जैसे स्टेप करेंगे है ना हम ग्रुप डांस में ऐसा देखते हैं कि तो बड़ा Uh, मुश्किल लगता है कि कैसे इन्होंने कितना सीखा होगा कि 10-20 लोग एक साथ एक जैसे स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे 300 करोड़ गोपियां एक जैसे स्टेप और कितने साथ कि उनके जो नुपुर हैं उनके जो कंगन हैं उनकी जो किंकनी है उसके घुंगू जो है वो भी एक साथ बज रहे हैं उनके घुंगुओं की ध्वनि भी एक साथ एक जैसी आ रही है इतनी सूक्ष्मता से स्टेप मैच कर रहे हैं समझ गए कि अगर हाथ हिल रहा है तो हाथ के अंदर के जो कंकड़ के अंदर जो घुंगरू हैं वो भी एक साथ ही हिल रहे हैं कोई इधर उधर नहीं हो रहा है हम लोग दो लोग करताल इकट्ठे में जाने बैठे तो मिस मैच हो जाता है और और कितनी गोपियां हैं लगभग तीन सौ करोड़ इस पूरे भारत की जनसंख्या नहीं होगी <laughs> इतने तीन करोड़ गोपियां और सारों के घुघरू मैच करें इसीलिए इतना सुंदर इसीलिए अद्भुत वहाँ पे ऐसा उत्सव और उसमें प्रणय श्री कृष्ण के विशाल भुज दंडो जो प्रणय मतलब अपने जो श्री कृष्ण अपने को प्रणय बुलाया जाता है तो बड़े अपने पंच से कृष्ण को कह रहे हैं जो उनके विशाल भुज दंडो मतलब उनके जो विशाल जो ऐसे हाथ हैं उनको कंठ में धारण करके भी हम श्री राशेश्वरी राधा के चरण चिन्ह कब देखेंगे यानी कि अपने प्रणय कृष्ण ने गले में हाथ डाला हुआ है मगर तब भी हमारी प्रतीक्षा और हमारी आकांक्षा क्या है कि हम श्री राधा के चरण चिन्ह ही देख रहे हैं जिसके गले में कृष्ण हाथ डाल दें वहाँ को और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत क्या है वो तो कृष्ण को ही देखेगा जब इतने बड़े प्रेमी जो हैं गले में हाथ डाल दें तो फिर वो कहे कि भैया अभी हम किसी और को देख रहे हैं किसी और की अपेक्षा रख रहे हैं क्या जरूरत है जब कृष्ण हाथ डाल रहे हैं मगर ये उनका सहचरित्व है ये उनका किंकरित्व है ये उनका सखित्व है कि इसके कृष्ण के गले में हाथ डालने के बाद भी जो सखी मंजरियां हैं वो राधा रानी के चरण चिन्हों की ओर ही अपनी नजरें टिकाए बैठी हैं हमने प्रारंभ से शुरू किया था कि किस प्रकार सोत्सव प्रारंभ होता है रासोत्सव में ऐसे ही प्रवेश कर लेने से वो आनंद नहीं आएगा तो इसीलिए इससे पहले कितनी जो शुरुआत से जब से बाल कृष्ण जन्म लिए तब से लीलाएं हो रही हैं पहले संशय का उन्होंने नाश किया पूतना के माध्यम से और फिर आगे चलते गए चलते गए चलते गए पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि चीरहरण लीला जो हुई चीरहरण लीला में संकेत है कि सुंदर ने उनका रूप छीन लिया और उनको स्वरूप प्रदान कर दिया। अभी हम लोग जो ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे बालों से वो लोग साफ करते होंगे हमारे बाल कैसे होंगे क्योंकि हम अभी अपने रूप का चिंतन कर रहे हैं चीरहरण लीला में क्या होता है चीरहरण लीला में संशय खत्म हो जाते हैं क्योंकि चीर हरण लीला में संकेत मात्र से उनके जो वस्त्र चुराए वो वस्त्र चुराने का संकेत क्या है कि श्याम सुंदर ने उनके इस रूप का हरण कर लिया और अब उनको स्वरूप प्रदान कर दिया जब स्वरूप प्रदान हो गया तब उसके बाद जब देखो स्वरूप किसको प्रदान होगा जो साधन सिद्ध है यहां पे जो चर्चा हो रही है वो साधन सिद्ध सखियों की हो रही है साधन सिद्ध मंजरियों की साधन सिद्ध सखियों की चर्चा है नित्य सिद्धों की बात नहीं हो रही नित्य सिद्ध को स्वरूप नहीं दिया जाएगा उनका तो ऑलरेडी स्वरूप है ही जो साधन सिद्ध हैं, उनके साथ चीरहरण लीला उनका रूप लेके उनको स्वरूप प्रदान किया उसके बाद फिर अंत में गोवर्धन गोवर्धन पे भी हमने चर्चा करी थी और एक बात और समझे कि गोवर्धन एक ऐसा उत्सव है एक ऐसा संयोजन है जो सबके जीवन में होगा तभी रास लीला में वहां को प्रवेश होगा क्या होगा गोवर्धन बोले कि जैसे सात दिन तक ऑटोमेटिकली उपवास है क्या बाहर तो बारिश हो रही है वर्षा हो रही है इतनी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है बाहर निकलने का तो मतलब नहीं है खाना अंदर है नहीं जैसे आजकल यहां मजदूर फंस गए थे वहाँ को तो खाना दे दिया अंदर पहुंचा दिया यहां कोई खाना नहीं और किसी को जरूरत भी नहीं है क्यों क्योंकि गोवर्धन हो रहा है गोवर्धन क्या है कि सबरी इंद्रियों से सात दिन तक केवल कृष्ण को ही निहार रहे हैं। केवल कृष्ण का ही वो स्वरूप जो हम लोगों ने नाथ द्वारा में दर्शन किया है वो स्वरूप जो एक हाथ से गोवर्धन उठाए हैं उस स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं जो कृष्ण की वाणी चल रही है उस समय कोई उपदेश नहीं है कोई संदेश नहीं है कोई भगवत गीता का ज्ञान नहीं है जो बातें हो रही हैं आपस में केवल वो ही सुन रहे हैं पूर्ण रूप से सर्व इंद्रियां उनमें तन्मय है देख भी उनको रहे हैं सुन भी उनको रहे हैं साथ उनके खड़े हैं सुंग भी उनको रहे हैं हाथों से भी उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं भैया हम गोवर्धन पकड़ लें हम ये कर लें हम वो कर लें क्या प्रकार की आपको सुविधा दे दें सब सर्व इंद्रियों से कृष्ण का आस्वादन हो यहाँ दो घंटा बैठना पड़ जाए तो आदमी घर से पानी की बोतल लेके आता भैया बीच में प्यास लगेगी आजकल तो गुड़ इलायची ना जाने क्या क्या कस्टम चल गया यहाँ पे शुरुआत मेरे लिए किया था मुझे छोड़ के सब खा <laughs> <laughs> देखो महाराज जी बोतल हुई भैया प्यास लगी बहुत देर हो गई पांच पांच मिनट में प्यास लग रही है यहाँ पे भैया एक बोतल रख के बैठे वो सात दिन तक बैठे हैं तब हुआ है गोवर्धन सारी इंद्रिया सबका वहां पे एकदम पूरा निवेश हो जाए हम दो दो मिनट में घड़ी दे इतनी देर हो गई अभी तो सारी खांसियां कथा में ही लगती हैं उसके बाद पहले आगे पीछे सब ठीक रहते हैं आप कभी देख लेना क्योंकि इंद्रियां लगी नहीं है इतनी प्यास लगती है इतनी प्यास भैया घर से बोतल लेके आएंगे क्यों वहां एक घंटा कथा में बैठना है एक घंटा भूखा नहीं रह सकते प्यासा नहीं रह सकते रहना चाहिए ये पहले कथा में कस्टम नहीं था कहीं पे भी अभी भी नहीं होता कोई बीमार है अलग बात है मैंने भी बीमारी में ही शुरू किया था पीना आप बहुत बीमार हो पी सकते हो ऐसा निषेध नहीं है मेरी तरफ से मैं तो केवल एक प्रसंग वश सब बोल रहा हूं आप पियो पियो पानी पियो कोई बात नहीं लेकिन होना ऐसा चाहिए और होता ऐसा था भी कि जैसे आप गायत्री करते समय डी टी वर्शिप करते समय ये समय पानी नहीं पियोगे ना क्योंकि आपको पता है नहीं पीना उस समय सब रहोगे मगर अब जब कथा चल रही है जब ये चल रही है वो चल रही है तो भैया सबसे पहले आदमी कोना ढूंढता है मैं सहारा कहाँ ले लूँ, मैं पीठ को कहाँ टिका दूँ, फिर कोई ऐसी जगह जहां पैर भी खोल सकूं ऐसे ना हो कोई चिपक के आगे बैठ जाए भैया चौकड़ी मारनी पड़ जाए हमारे को दो घंटा इधर उधर ऐसे हिल्लू वैसे हिल्लू कोई बीच में खड़ा हो जाएगा कोई बीच में जाएगा भैया हम तो दरवाजे ही बैठेंगे क्यों हम पीछे बैठेंगे मैं नींद आ जाती है कथा में तो पता ना लगे कि हमें नींद सब पहली सेटिंग करके श्रोता बैठता है कहां से मैं दिखूंगा नहीं कहाँ मैं एकदम पीछे रहूँगा एकदम जहा मैं सो भी सकू आराम से कुछ ब्रेव हार्ट्स हैं आगे बैठ के भी सोते हैं मगर जनरली लोग ऐसे लोग पीछे की सीट पकड़ते हैं कि भैया है, इसके एकदम पीछे आ जाए हम लोग एक किसी से बात बोले आप कथा इतनी अच्छी लेते समाधि लग जाती है मैंने कहा आप प्रार्थना करना मेरी समाधि ना लग जाए आपको देख के तो क्यों क्योंकि मन लगा नहीं इसमें और जब लग जाएगा तो वही प्रतिक्रिया को गोवर्धन बोला जाता है और उसी के बाद रास का प्रवेश होता है कृष्ण कैसे साधारण नहीं है यहां पे कृष्ण जो है रसो वही सा है रसो वही सा आप सबने सुना है ना ये जो रस से पूर्ण है वो कृष्ण है तो इतनी, इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है ये भगवान नहीं है आपको भगवान मिलना बड़ा कठिन है ना अगर रास लीला की चर्चा चल रही है अगर रस चर्चा चल रही है तो सबसे आसान काम है भगवान का मिलना भगवान का है ये रे आपको प्रार्थना करी करो आपको जो चाहते हो मिल जाएगा भगवान तो समक्ष है सामने है परमात्मा का है आपके हृदय में है कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है आप प्रार्थना करने के लिए कौन से स्थान पर भागते हो कोई स्थान पर भागने की जरूरत नहीं है सर्वत्र है जब हरि हैं, जब परमेश्वर हैं जब भगवान हैं, तो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, हर समय हैं, और फिर साक्षात तो विग्रह स्वरूप में है अगर आप परमात्मा स्वरूप को ना भी समझ पाओ तो आपके घर पे ही बैठे हैं और ये कृष्ण कौन से हैं? मय ही पंथा पथी भी मरत्ता किशोर का कोटि तमाल नील विन्यस्त हस्ते पे नितंब बिंबित धूर्त ये कृष्ण की चर्चा हो रही है ये कृष्ण को संबोधन किया जा रहा है धूर्त धूर्थ समाकर्षती चित्त वृत्तम ये कौन से कृष्ण है बोले आप वहां जाओगे ना वहां कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं वहीं जा देख लो वहां से मुड़ जाना रास्ता बदल लेना वहां मत जाना किशोर का कोटि तमाल नील तमाल नील इनका वर्ण है ऐसा कहीं व्यक्ति देख लो तमाल वर्ण का वहीं से मुड़ जाना ये कौन बोल रही हैं ये सखियां बोल रही हैं ये गोपियां बोल रही हैं हमारे गोस्वामी बोल रहे हैं कहीं खड़े भाई दिख जाए वहीं से मुड़ जाना क्यों विन्यस्त हस्ते बे नितंब बिंबे क्या करेंगे जब आप जा रहे हो पीछे से आप पे हाथ मारेंगे न जाने क्या क्या बोले धूर्त ये धूर्त है सखियों को बोल रही है ऐसे छेड़खानी करेंगे बैठे वहां एकदम ऐसे पीछे को मारेंगे ऐसे ऐसे श्लोक है क्या क्या बोले आदमी बोल नहीं पाता उसको लगता है मैं क्या बोलू ऐसे <laughs> धूर्त समाकर्षित चित्त वृत्तम और तुम्हारे चित्त में घुस जाएंगे आकर्षण कर लेंगे फिर तुम्हारे चित्त का एक तो मारेंगे ऊपर से तुम्हारे भीतर ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कोई मुझे छेड़ रहा है तुम ऐसे हो जाओगे हाय दोबारा छेड़ दे तुम्हारे हृदय में ऐसा प्रवेश कर देंगे फिर सखी कहीं की नहीं रहेगी इसीलिए जहां कहीं दिख जाए वहीं से हट जाइए मत देखिए वहां को अपने जितने ऐश्वर्य हैं भगवान के भगवान के छह ऐश्वर्य हैं छह भग हैं सबसे पहले उनके भीतर असंख्य ऐश्वर्य है धर्म है श्री है यश है ज्ञान है त्याग है ये छह भग संपूर्ण मात्रा में असंख्य रूप से जिसके भीतर है उसको बोला जाता है भगवान जैसे हम बोलते धनवान बहुत धन है इसके अंदर ये धनवान है भाग्यवान। बहुत भाग्यशाली हो कोई भाग्यवान और ये कौन है भगवान इनके अंदर क्या है ये छह भग है ऐश्वर्य है, धर्म है श्री यश ज्ञान त्याग इनसे ज्यादा किसी के भीतर नहीं हो सकता इसीलिए ये भगवान है अब आप ऊपर वाले श्लोक में देखो तो यहां कोई धर्म संगत बात लग रही है आपको कोई धर्म संगत बात नहीं आप कहो क्या ये यश है इनका महाराज अगर ये यश है तो अपयश काय को बोलते हैं फिर किसे बोलते हैं अगर ये यश है और फैला कौन रहे हैं ये बात इनके अपने निज जन अपनी सखियां अपनी गोस्वामी जिन छोड़ के गए हैं प्रचार करना वो फैला रहे हैं ये यश यहां पर यश कि ये ऐसे कर रहे हैं तो ये कौन से कृष्ण है बोले जो ये छह के छह भग छोड़ के आए हैं आजकल आप वो आते हैं ना थ्री पीस सूट फोर पीस सूट सिक्स पीस सूट ये कृष्ण कौन है जिन्होंने ये, ये भगवान है और ब्रज में कौन है जो सबरे उतर गए यहाँ पे ना कोई धर्म रहा है ना कोई यश रहा है और हमारे गोस्वामी गणपति क्या बोलते हैं कि आपत्ति काल में साधारण लोगों को गुरुजन को यह आदेश दिया गया जो गुरुजन है ना जब आपत्ति काल हो तो उस समय दर्शन नहीं देने चाहिए साधारण जन को ऐसा बोला जाता है और आम आदमियों को भी यह बोला जाता है कि भैया आपत्ति काल में निषेध किया गया है आम व्यक्ति को भी कि गुरु साधु के दर्शन मत करो जब गुरु साधु आपत्ति काल में हो तो साधारण जीव को बोला गया उस समय दर्शन ना करो तंग मत करो उस समय उनको जब वो आपत्ति काल में अपने आपत्ति काल में तो आप जीव भागता ही है सबसे ज्यादा जीव जाता ही तब याद तब आती भगवान की जब उसका आपत्ति काल आता पर जब गुरु साधु का आपत्ति काल हो तो उन्हें क्या बोला है आप दर्शन मत दो और आम आदमी को भी क्या बोला है आप अभी उनके दर्शन मत करो आपत्ति आप काल में बोले क्यों ऐसा क्यों क्योंकि बोलते अगर आप उनको पीड़ा में देख लोगे तो साधारण जन की अश्रद्धा हो जाएगी गुरु जी आप भी ऐसे बीमार हो गए हे महाराज संत महात्मा आप तो सिद्ध थे आप भी ऐसे बीमार हो आपकी भी नाक बह रही है आपको भी जुखाम हो रहा है छोटी सोच है ना हम लोगों की ये लीला विशेष उनकी जो है वो आम आदमी नहीं समझता इसलिए मना किया गया भैया तुम ना दर्शन करो उस समय और जगन्नाथ भगवान भी देखो जब पंद्रह दिन बीमार होते हैं दर्शन बंद कर देते हैं साधारण जन के लिए दर्शन नहीं है वो अनवसर हो गया उस समय यह अनवसर है अभी दर्शन नहीं करेंगे आम आदमी समझ नहीं पाता है कि जो भ्रम का भगवान का जो ये ताप है ये हम सबका ताप मिटाने वाला है गुरु के शरीर में जो रोग आता है वो हजारों शिष्यों के रोग को खत्म करने वाला है कितने कितने अपने शिष्यों के रोग गुरु अपने पे ले लेते क्यों क्योंकि रोज प्रार्थना करते हैं अपने शिष्यों के लिए और उनके कितने रोग खुद को ले लेते हैं और वही जिनके रोग लिए हैं वो जब जाते हैं तो उनकी अः श्रद्धा जी ये तो गुरु जी फिर कहते हो कि साधारण मनुष्य नहीं है साधारण मनुष्य नहीं है तो बीमार बिल्कुल हमारे जैसे हो रहे हैं इनके भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है <coughs> हम ही लोग ये बोलते हैं जो हम लोगों के ही रोग लेके वहां पे बैठे हैं श्रीमन महाप्रभु को भी ज्वर आ गया था हमने लीला में वहां पढ़ा है जब अपने शिष्यों के साथ गए और जब इतनी तेज ज्वार आ गया तो क्या हुआ बोले बाद में क्या निकला उनके शिष्यों से वैष्णव अपराध हुआ था वो वैष्णव अपराध का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने पे ज्वार ले लिया बाद में मालूम चढ़ा भैया ये, ये शिष्यों का ही अपराध था इसीलिए श्रीमन महाप्रभु का हुआ तो हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे हैं बोले ऐसी गोस्वामी बोलते हैं कि इसी बात से कि कृष्ण जो है ना वहां के दर्शन ब्रज में ना करिए क्यों क्योंकि ब्रज में बोले कृष्ण आपत्ति काल में ही रहते हैं हमेशा सबसे ज्यादा आपत्ति काल में कृष्ण ही रहते ब्रज में इसलिए साधारण जन को बोले भैया इस समय वहां के दर्शन मत करना जाके अश्रद्धा आ जाएगी तुम्हारे को विशेष भक्त जो है वही यहां लीला को पचा सकते हैं समझ सकते हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं साधारण जन को तो बोले जाए ना करो ही ना वहां पे बोले आपके भगवान क्या करते हैं बोले दिन में गौआ की पूंछ के साथ हु करते हुए वहां पे खेल रहे हैं शाम को गोपियों के संग पीछे पीछे भाग जाते हैं रात को किशोरी जी के संग है। कभी सखाओं के साथ घूम रहे हैं, कभी ये करे हैं। बोले ये भगवान है कोई मानेगा भगवान है भगवान अब आप बोले आपके भगवान क्या करते हैं बताओ ब्रज में एक ढंग की बात बता दो जो भगवान को सूट करती हो पूरे दिन की परिचर्या आपने देखी है कोई एक ऐसी बात है आपको लगे ये भगवान होंगे कोई बात कोई ऐसी बात नहीं है। कि हम कहें भैया ये जो कर रहे हैं हाँ ये ये भगवान ही कर सकते हैं गऊ को चराना गौओ के साथ खेलना सखाओं के मुंह से रोटी निकाल के खाना अपनी रोटी उनको देना बदमाशी करना गोपियों को छेड़ना गोपियों से छेड़ना खाना खाना मैया खाना खिला रही है वो सब खाना सोना रात को फिर भाग जाना बीच में से निकल के पानी पी लो भाई बीमार व्यक्ति को तो मैंने बोला पी लेना चाहिए <laughs> तांबुल वाम्बुल भी रखा कर <laughs> <laughs> तो सब ये जो उनकी गतिविधियां हैं यहाँ पे कौन सी बात ऐसी आपका भगवान है तो गोस्वामी क्या बोल रहे है? बोले कृष्ण जो है वहां तो राधा रानी मान में रहती है वो आपत्ति काल में रहते है, वही है साधारण जी को वहां पे जाके दर्शन नहीं करने चाहिए वो देखेगा कृष्ण क्या कर रहे हैं वो कहेगा यार ऐसे ही तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए साधारण जीव थोड़े हैं ब्रह्मा अगर ब्रह्मा कन्फ्यूज हो गए तो बड़ी बात होगी हम लोग तो सोच लेते ब्रह्मा मूर्ख हम उनसे ज्यादा समझदार हैं ऐसी बात नहीं है वो ब्रह्मा है और अगर वो कन्फ्यूज हो सकते हैं तो हम तो किस खेत की मूर्गी हैं क्यों क्योंकि वहां ऐसे ही है इन पे और श्रीहीन हुए हुए हैं वहां पे श्रीहीन का क्या तात्पर्य है कि जैसे हम वो बोलते हैं ताही अहीर की छछिया भर छाछ पे नाच न चावे अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच न चावे अहीर की छोरी मानी गोपियां गोप ग्वालों की लड़कियां जो गोपियां हैं क्या करती है छछिया बाच पे छोटी सी छोटे से मक्खन के डाले के लिए छोटी सी छाछ के लिए इतने से एक गुड़ छाछ के लिए को मक्खन दे दे ए, पीछे खड़ा रहे छोटा सा मक्खन दे दे क्या हो गया तो ए, पीछे खड़ा रहे क्या हो गया कुछ कह रहे हो गोबर खराब हो जाएगा कृष्ण को पीछे कर रहे हमारे गोबर खराब हो जाएगा पीछे हो जाएगा हमारे घर ठाकुर जी आए होंगे आपके पैर खराब हो जाएंगे गोबर में लग जाएंगे वो कह रहे गोबर खराब हो जाएगा पीछे हो ने कंडे से सब करने को मक्खन अभी रुक जा पंद्रह मिनट बीस मिनट खड़े है, नहीं, देगा, नहीं देगा नहीं देगा चल पहले नाच नचा ना के दिखा कैसे नाचू नाच तो रहा हूं। ऐसे नहीं एक हाथ सिर पे एक हाथ कमर पे यहां में जरा बीस पच्चीस ठुमके लगा फिर तेरे को मक्खन मिलेगा वो बेचारे वैसे नाच रहे एक कालिया नाग पे कैसे नाच रहा था ऊपर नीचे होके जरा वैसे करके दिखा गोपी वो गोपी ये कोई कालिया नाग है वहां तो फन हिला रहा था ऊपर नीचे कर रहा था ये कर रहा चाहे गोबर पे खड़ा हो जाए फिर तेरे पाँव ऊपर नीचे ऊपर नीचे वैसे ही होंगे गोबर पे खड़ा करके नचा रही है ऐसे कर रही है वैसे कर रही है ये कर रही है वो कर रही है के बाद ले एक डली मक्खन वो मक्खन लेके भाग रहे हैं गरीब हो गए हैं कृष्ण में छोटे छोटे मक्खन के लिए ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया थोड़ा सा मक्खन दे, अब ये कहो कि असंख्य श्री लेके वहां पे बैठे हैं असमोर्थ है बोले ना श्रीहीन हुए हुए वहां पे बैठे और वास्तव में कौन है पूरी बात क्या है शेष महेश दिनेश गणेश सुर सहू जहू निरंतर ध्यावे ये सब क्या कर रहे हैं ये सब उनका निरंतर ध्यान करते हैं शंकर के सुख व्यास रटे पचिहारी तव पुनी पार न पावे ताही अहीर की छोरियां छछिया पर छाछ पे नाच रहे ये पूरी बात है आखिरी बात जो है वो वृंदावन में दिखती क्या भैया अभी तो वहां संकट में है काफी ये कौन भगवान है बोले जिनके सब भग लुट गए हैं ना ईश्वर आए ना, ना यश राय ना श्री रही है उनके पास ज्ञान बोले उनके पास ज्ञान तो जीव के पास हमेशा रहेगा जो उसके पास है बोले एक बार देने की कोशिश करी थी वहां जब गोपियां वहां आई तो बड़ी कोशिश करी इनको ज्ञान दू इनको समझाऊं स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवानी वा स्वागतम बहुत अच्छी बात है वेलकम गोपीस आप यहां पे आई हो प्रिय किम करवा बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं से नाम यम कचित ब्रज में कोई समस्या आ गई है क्या जो रात को यहां भागी चली आई हो भ्रूता है आपके यहाँ पे आने का क्यों आई हो यहाँ पे हाउ कैन आई हेल्प यू ये क्या है ये अपना ज्ञान पक्ष दिखा रहे हैं पहले वेणु बजाई है बुलाया है जब आ गई तो स्वागतम आप आओ वेरी गुड वेलकम पर क्यों आई हो इस समय आपको इस समय नहीं आना चाहिए था इस समय तो आपको आपके पति घर पर हैं आपके बच्चे घर पर हैं आपको उनका ध्यान रखना चाहिए था कोई भी जो ऐसे स्त्री होगी वो अपने पति को अगर छोड़ के आएगी तो वो स्त्री सदाचारिणी नहीं खिलाएगी आपका सदाचार अपने पति के साथ रहना ही है अकेले वन में नहीं आना चाहिए रात्रि को नहीं आना चाहिए था अपने पति पुत्रों को छोड़ के नहीं आना चाहिए था माता पिता की आपको सेवा करनी चाहिए थी न जाने कहाँ कहाँ घास से सारा ज्ञान दे दिया जो कुछ था आपको यह शोभा नहीं देता और फिर अकेले वन में रात्रि में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए बोले उद्यान में भी नहीं जाना चाहिए स्त्री को तो अपने पति के बिना आप यहां अकेली वन में आ गई हो इस समय आ गई हो यह ठीक नहीं है अगर आप मेरे लिए आई हो तो श्रवनाथ दर्शनाथ ध्यानान मई भावो अनुकीर्तनाथ मेरा तो आप केवल ध्यान कर लो आप केवल मेरा वहीं से आंख बंद करके दर्शन कर लो मई भावो अनुकीर्तनाथ वहीं बैठ के मेरा कीर्तन कर लो ना तथा संकीर्त मेरे पास आने की जरूरत नहीं है ना तथा सन्निकर्षना जरूरी नहीं है मेरे पास आके वो मिलेगा मेरे पास आके वो नहीं मिलेगा वहीं के ध्यान करने से उससे कहीं ज्यादा मिलेगा प्रतियात ततो गृहन इसलिए जल्दी जाओ अपने अपने घर को निकलो अगर मुझे भी मेरे को भी चाहते हो तो वहां बैठ के मेरा ध्यान कर लो गोपियों ने कही भैया तू बोल श्लोकों में उन्होंने सारी बात कह दी गोपियों ने ग्यारह श्लोकों में बोल दिया बालोसी तू बालक है ये इतनी जो ज्ञान की बातें कर रहे हो अभी बच्चे हो तुम गए ए भावम न जानती विलासी नाम बालो असी हमारे भावों को तू तो जान ही नहीं रहा है इधर उधर ये जो यमुना में नाता फिरता है हमारे नेत्रों से दो जमुना बह रही हैं कभी इसमें इसमें नहा इस के देख तब तुझे पता लगेगा हमारे भाव कैसे हैं ये जो गिरी की गुफाओं में घूमता फिरता है कभी हमारे कानों की गुफाओं में आके देख एक बार तेरा नाम सुना था कभी बाहर नहीं निकल सकता अब वो घुस गया है ये गिरी की गुफाओं में तो तुम घुस जाते हो और बाहर निकल आते यहां से नहीं निकल सकते और ये जो कुंजों में इधर उधर जाते फिरते हो हमारे रोम रोम में कुंज है महाराज तुम जानते क्या हो ये भावम ना जानती विलासी नाम ए गोपाल गोपाल पंडित कहने का तात्पर्य गोपाल तुम ये गौ को चराने वाले बस गौ को चराने में ही निपुणो और कुछ नहीं आता तुम बालो बच्चे हो तुम्हारे हमें सिखा रहे हो ये जब उनकी ग्यारह श्लोक पूरे हो गए ठाकुर जी ने कहा चलो रास पे खत्म हो गई बात और वहां के बाद बोलते ये पहली और आखिरी बार था इसके बाद ब्रज में कभी ज्ञान नहीं दिया बल्कि ज्ञान का भूत किसी को चढ़ गया हो तो उसको भी झाड़ा पड़वाने के लिए उद्धव को भेजा भैया वहां जाते अंदर ज्ञान बहुत आ गया है वहां ने मेरे को सीधा कर दिया था तेरे को तो कर ही देंगे उधर जा तो कोई भग नहीं है कोई आखिरी में क्या है वैराग्य वैराग्य बोले वैराग्य क्या है वहां पे दूर दूर तक कोई ब्रज में वैराग्य नहीं छप्पन भोग की प्रथा ही वहीं से शुरू हुई है वहां से पहले किसी भगवान को छप्पन भोग नहीं लगते थे छप्पन भोग की प्रथा ही ब्रज में शुरू हुई है तो सारे जब ये छे भग निकल गए तो क्या बचा बोले अब जो बचा है वो है रस भक्त तो सब खत्म हो गए ऐश्वर्य खत्म हो गया, गया ज्ञान खत्म हो गया श्री खत्म हो गई वैराग्य खत्म हो गया क्या बच गया बोले केवल रस बच गया और यही है रसो वही सहा, बस केवल रस ही है इनके भीतर अब इनके द्वारा जो लीला होगी उसको बोला जाएगा रास लीला अब ये भग लीला नहीं है भगवान की लीला नहीं है ये रस के द्वारा रास लीला रसो वही सा बस रसी है क्या है अंदर से लेके बाहर तक बस यही बचा है और कुछ है ही नहीं अब सबरी गोपियों को बुला लिया सब आ गई किशोरी जी भी प्रवेश होने वाला है आज के श्लोक में हो ही गया था लगभग उनकी लीला में विराम आ गया पर कुछ गोपियां हैं जो उस समय नहीं आ पाई सुखदेव गोस्वामी ने बताया बहुत सारी गोपियां आ गई मगर कुछ गोपियां जो जाने लगी तो उस समय बोलते उनके जो घर परिवार वाले थे उन्होंने पट बंद कर दिया नहीं जाना ये कौन सी गोपियां हैं जो ये नहीं जा पाई क्यों नहीं जा पाई अब आप ऐसे समझो कि के जैसे केले का वृक्ष हो केले का वृक्ष देखा है कभी उसमें बहुत सारे केले झुंड में लगे होते हैं मतलब सत्तर अस्सी केले ऐसे झुंड में लगे होते हैं तो आप देखो आपको वहां लगभग पक गया भाई ये वाला दे दो अब जब खोलोगे तो कोई पांच दस ऐसे निकलेंगे जो नहीं पके आप जब पेटी भी लाते हो कोई फल की ऊपर ऊपर से देखा पके हुए नीचे से देखा थोड़े आम कच्चे निकले हैं तो क्या करते हो फेंक देते हो नहीं वहां को क्या करते हो वहां को रैप करके रसोई में रख देते हो इसको दो दिन बाद निकालेंगे तो ऐसे ही सब गोपियां परिपक्व है मगर जो थोड़ी कच्ची रह गई हैं अभी कुछ प्रारब्ध रह गए कुछ रह गया वहां को क्या किया वहां को बंद करके रैप कर दिया अभी यहीं रुको। पहले परिपक्व हो जाओ परिपक्व कैसे हुई बोले उसी समय जब उनका मन जो है वो वहां जाने को तत्पर है मगर घर वालों ने रोक लिया किसी के पति ने रोक लिया किसी के पिता ने रोक लिया किसी के सास ससुर ने रोक लिया जब बंद कर दिया तो विरह अग्नि से फल पकता कैसे है गर्मी से जब विरह अग्नि से वो तपी तो बोलते उनके तपते ही वो देह तो वहां रह गया पर दिव्य रूप से उनका मन जो है वो एक स्वरूप लेके बाकियों का तो चीर में ही रूप लेके स्वरूप दे ले दिया था जो थोड़ी कच्ची रह गई थी अब तप गई और जब तप गई तो वो स्वरूप लेके बाहर दिव्य स्वरूप लेके वो भी वहां पे भागी चली गई अच्छा एक बात इसमें सोचोगे जब सब गोपियां रात को निकल गई तो सारे घर वाले क्या अंधे थे बेहोश हो गए थे क्या हुआ सब घर वालों को सबको पता नहीं लगा कि हम सबकी स्त्रियां निकल गई हैं वो कैसे टिके रहे घर में प्रश्न आएगा नहीं आएगा दिमाग में भैया रास लीला में इस तीन सौ करोड़ गोपियां आ गई तीन सौ करोड़ गोपियों के घर वाले क्या कर रहे हैं उस समय तो बोले गोपियां कृष्ण के आकर्षण से यहां पर आई हैं और कृष्ण गोपी का रूप लेके उनके घर गए रासलीला क्या है बोले ये रास लीला में सबको सारे ब्रजवासियों को आनंद मिला है जो रास में प्रवेश करना चाहती थी वो गोपी इधर आ गई और वो गोपी बन के कृष्ण उनके पति को उनके सास को उनके ससुर को उनके बच्चों को सबको आनंद कैसे मिल रहा है कृष्ण ही है आज वहां पे जैसे जब गोप ग्वाल लेके ब्रह्मा भाग गए थे तो एक साल तक सारे ब्रजवासियों को आनंद दिया था सब सब चाहती थी कि हमारा लड़का भी कृष्ण जैसा होता गौ चाहती थी भैया हमारा बछड़ा भी कृष्ण जैसा होता सब ऐसे होता तो भगवान ही बछड़े बन गए भगवान ही सबके जितने बाल थे ग्वाल बाल सब भगवान बन गए और सबके घरों में पहुंच गए और एक साल सबको वो आनंद दिया किसी की वांछा अपूर्ण ना रह जाए ये रासलीला में सिर्फ ये नहीं जो गोपी आई है उन्होंने आस्वादन लिया है जो वहां पे है वो भी आस्वादन ले रहे हैं जो अपने घर में है क्योंकि वो वही आस्वादन लेना चाहते थे वो वहां आना नहीं चाहते थे तो उनको वहां जाके गोपी बन के की जैसे हमने सुनी है ना साकुबाई चली गई और भगवान साकुबाई बनके बन के सास की डांट खा रहे हैं मार खा रहे हैं काम कर रहे हैं घर का वो साकूबाई बने इसीलिए बोलते भैया बड़े बड़े भक्त जो होते हैं बिल्कुल सावधान रहना चाहिए ना जाने किस रूप में भगवान ही उनका रूप लेके आ जाए कौन सा ऐसा समय हो वो पता नहीं कौन सी लीला में प्रवेश करके और भगवान उनका रूप लेके वहां पे बैठे तो सबको आनंद पूरे ब्रज को आनंद वो रास रात्रि जो है उसमें केवल ऐसा नहीं है कि जो गोपियां वहां आई बस उन्हीं को आनंद है जो आई उनकी घर वालों को भी आनंद मिल रहा है सबके कृष्ण है परीक्षित पूछे लेकिन ये जो गोपियां भाग रही हैं इनके हृदय में तो काम है ये तो अपने कांत की ओर भाग रही हैं तो जानती भी नहीं है कि ये भगवान है फिर इनको वो प्रेम क्यों मिल रहा है फिर इनकी बड़ी बड़ी बात क्यों हो रही है फिर इनको क्यों इतना सर पे चढ़ाया जा रहा है भैया वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं तो भगवान के पास भाग रही हूं उन्हें तो पता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है वो तो उन्हें अपना कांत मान के भाग रही है सुखदेव गोस्वामी थोड़े रुक गए भैया अभी तो सोचने लगे पूरी बताऊं ना बताओ, भी तो मुझे इसका स्तर नहीं दिख रहा ये सोच रहा है ऐसी बात फिर बोला तुम्हें पहले बताया नहीं था क्या जब शिशुपाल जैसे नहीं समझ रहे हैं कि भगवान है उन्हें अपना दुश्मन समझे बैठे हैं और शिशुपाल की मुक्ति वो करा देते हैं जब पूतना की मुक्ति वो करा सकते हैं जब तृणावर्त की मुक्ति वो प्रवा सकते हैं तो जो प्रतिकूल भाव से आए उनको मुक्ति मिल रही है ये अनुकूल भाव से कांत समझ रही है तो यहां को नहीं मिलेगी क्या कैसी बातें करते हो और असल में परीक्षित जो है इतने कच्चे नहीं है लेकिन एक बढ़िया श्रोता जो होता है ना वो ध्यान रखता है कि मेरे माध्यम से बाकी सब लोगों को जैसे अर्जुन अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे ऐसा लगता है कि वो प्रश्न अर्जुन के नहीं होंगे पर हम सब की ओर से कोई व्यक्ति अपने साथ नया व्यक्ति लाया होता है ना कथा सुनाने के लिए तो कोई बढ़िया बात होती है ना उसको देखता है ध्यान रखता है भाई समझ में आ रही ना और नहीं तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है वो समझता है भैया इसको नहीं समझ में आ रही होगी मैं इसकी तरफ से पूछ लूँ ये अभी नहीं आई इस संकोच में पूछ नहीं पाएगी मैं पूछ लेती हूँ ऐसा होता है ना ध्यान रखता है जो व्यक्ति अपने साथ किसी को लेके आता है उसका ध्यान रखता है तो ऐसे ही बोले परीक्षित जो है ध्यान रख रहे हैं भैया आगे हम जैसे श्रोताओं का तो पूछ लिया उन्होंने ठाकुर जी बता रहे अब देखो यहाँ पे जो जो हमने अभी चर्चा करी कि वो वहीं रह गए उनका एक स्वरूप मिल गया इस पर वेदांती लोग अलग चर्चा करते हैं वो बोलते हैं हाँ ये रास क्या है ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है वो वहीं रह गई गोपियाँ उनकी आत्मा निकल गई और वो परमात्मा स्वरूप में वहाँ पे उनसे मिल गई सुना होगा आप लोगों ने भी ये गलत टीका है अगर आत्मा और परमात्मा को मिलना था तो दंडा कारण्य के ऋषि एक युग तक बैठ के इंतजार क्यों कर रहे थे वो तो दंडा कारण्य में ही वहां करके मिल जाते परमात्मा से अगर केवल परमात्मा से ही मिलना था फिर तो सारे ऋषि वही मिल लेते यहां के गोपी क्यों बने क्योंकि यहां रस चाहिए यहां वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं है इसीलिए बात ये पहले बताई कि छे के छे भग यहां हट गए हैं यहां भगवान नहीं है ये ये रस मूर्ति है अखिल रसामृत मूर्ति समझे तो जो रस लेने आया है अब उसको कहो नहीं परमात्मा परमात्मा तो डंडा करण्य ऋषि को हजारों साल पहले मिल गई होती पूरे एक युग का इंतजार किया उन्होंने त्रेता से कलयुग तक का परमात्मा से मिलने के लिए बोले नहीं परमात्मा से मिलने के लिए नहीं इनके भीतर उनके लिए जो कांत भाव है बोले यही सबसे उत्तम गति है यह भी बोला जाता है कि भैया तुम अपने कांत में भगवत भाव रखो ऐसा बोला जाता ना आप अपने पति को समझो यही भगवान है इसी प्रकार से उनकी सेवा करो तो ये आपको मोक्ष दिलवा सकता है यह बड़ी उत्तम बात है आपको मोक्ष दिलवा सकता है आप सब में भगवान के दर्शन करो यह आपको मोक्ष दिलाएगा आप यह हल्का मत समझना आपकी स्थिति तो कितनी नीचे है इतनी उच्च स्थिति तक पहुंच जाओगे कि आपको मोक्ष मिल जाए जब आप सब में भगवत भाव करोगे पर उससे भी उत्तम गति क्या है कि जब आप भगवान में सब संबंधियों का भाव कर लोगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई ये उससे ऊपर की बात है कांत में भगवत भाव करना मोक्ष दिलाएगा पर भगवान में ही कांत भाव कर लेना ये प्रेम दिलाएगा ये सबसे उत्तम गति है इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित सबसे उत्तम ही है उनके हृदय में काम तो है लेके भाग तो रही है मगर समझो जैसे एक वृक्ष से लकड़ी तोड़ी एक लकड़ी आपने जो हवन हो रहा था हवन में डाल दी दूसरी आपने खाने बनाने में इस्तेमाल कर दी चूल्हे में डाल दी है। अब दोनों लकड़ियां जल रही हैं मगर एक लकड़ी की जो राख है वो जीव लेके अपने माथे से लगाता है क्योंकि वो हवन की है वो यज्ञ की है यज्ञ में जो लकड़ी बढ़ी है उसका सौभाग्य हो गया काम तो वही है हृदय में काम तो आया पर किसके लिए आया कांत के लिए नहीं आया भगवान के लिए आ गया हमारे भीतर काम है क्रोध है वो भी भगवान से लोभ है वो भी भगवान से के लिए सारे भाव जितने हैं यदि ये भगवान के लिए आ जाए तो कैसे बोले वो ऐसी लकड़ी है जल तो रही है पर यज्ञ में जल रही है। चूल्हे की जो लकड़ी है वहां की राख को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लो कि बर्तन धोने के काम आएगी उसके ऊपर अन्न पकाया जाएगा मगर यज्ञ की लकड़ी में अन्न डाला जाता है उसके ऊपर घी रखा जाएगा यज्ञ की लकड़ी में घी डाला जाता है सब कुछ वही मिलेगा और फिर जो राख बन जाएगी उसको भी लोग ले लेके विभूति है ये तो विभूति है ले लेके अपने माथे से लगाते शरीर से लगाते तो ये क्या भाव है जब ये आपका जो संबंध भाव है जितना भी जो भी इस सृष्टि में संबंध हो सकता है ये आपका भगवान के लिए वही के लिए, हमारे कृष्ण के लिए सब भाव इनके लिए तब हमें वो उत्तम भक्ति भजन प्राप्त होता है तो पिछली बार अब ये सब आ गई ये तो भूमिका बन रही थी सब की सब आ गई गोपियां आ गई सब आ गई राधा रानी आ गई स्फूर्ति में विराम आने पर श्रीपाद के चित्त में हाहाकार मच गया वो देख नहीं पाए स आरती दुख के साथ बड़े विषाद के साथ उन्होंने प्रार्थना करी मैं रासेश्वरी को मधुर रासोत्सव में प्रवेश करते हुए कब देख पाऊंगा अभी कर ही नहीं थी और मेरे हृदय में इस फूर्ति का विराम आ गया शत कोटि गोपियां जो थी उनके मिलन मेले में अपनी ईश्वरी का उत्कर्ष देखने का आनंद ही कुछ हो सबसे ऊपर हमारी ईश्वरीय वो अकेले में मिल रही हैं ये एक आनंद है पर शत कोटी के बीच में जैसे ही वो आए और हरी सबको छोड़ के उनसे मिलने आएंगे ये देखने का आनंद ही कुछ और है ये हमारा गौरव है ऐसे देखने में भाई आप आप फर्स्ट हो आपका लड़का आपका बच्चा फर्स्ट आया है फर्स्ट आया मैडम ने फोन करके बता दिया आपका बेटा फर्स्ट आया आ जाना आप ये जब स्कूल खत्म होगा उसको लेने के लिए आप लेने गए मैडम ने ट्रॉफी निकाली आपको दे दी ये लोहिया आपके बच्चे की फर्स्ट आया था अच्छा लगेगा ठीक है फर्स्ट आया ट्रॉफी दी मगर वो मजा नहीं आएगा जब स्कूल की असेंबली में खड़ा करके स्टेज पर बुला के ट्रॉफी देते तब मजा आता कि भैया इतने सब लोगों के बीच में हमारा बच्चा फर्स्ट आया तो ऐसे किशोरी जी को निवृत निकुंज में अकेले मिलते हैं वो तो आनंद है पर आज रासलीला में जब शत गोटी गोपियों के बीच सबको साइड छोड़ के जब उनको मिलने आएंगे तब आनंद आएगा जब सबरी गोलाकार में नाच रही होंगी और बीच में राशेश्वरी श्री किशोरी जी हमारी स्वामिनी के संग नाच रहे होंगे तब आनंद आएगा तो ये देखने के लिए श्रीपाद ललायित है प्रार्थना कर रहे हैं। कब आएंगे स्वामिनी के चरणों में प्रगाढ़ ममता है स्नेह स्नेही किंकरी रो रो कर ये प्रार्थना कर रही है कब देख पाऊंगी मैं ऐसा दृश्य तुम्हारी स्वर्ण कांति ने जो शत गोटी ब्रज बालाओं की कांति है उसको आच्छादित करके रास मंडल को समालोकित कर दिया है सब इतनी करोड़ों गोपियों की कांति एक तरफ और एक किशोरी जी आए तो एकदम प्रकाश हो जाए मैं भूल गया था मैं लाइट वाला एग्जांपल दिया क्यों था अब ध्यान एकदम से प्रकाशित तो हो जाए रास मंडल और एक किशोरी दी आ गई और इतनी करोड़ों गोपियां खड़ी है वो प्रकाश डिम लाइट हो गई है और एकदम हेलोजन की तरह कोई वहां से एकदम चमकती हुई आ रही है लाइट ये गौरव देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद कृपा कर मुझे लीले राज्य में ले चलो और श्रीमती की कृपा हुई पुनः लीला की स्फूर्ति प्रारंभ हुई रासेश्वरी रास मंडल में प्रवेश कर चुकी हैं और श्यामजू के चित्र में रसा रस आस्वादन की वासना उद्दीप्त हो उठी है यह बात है किशोरी जी की अब श्यामजू के हृदय में भी रसा रस आस्वादन की वासना उद्दीप्त हो गई है अभी तक उनके भीतर नहीं थी बोले वो सबको आनंद देना चाहते हैं ये सबरी जो 300 करोड़ गोपी हैं सबको आनंद देना चाहते हैं पर जब किशोरी जी आती है तो लेने की वासना भी आ जाती है उनके अंदर अब मुझे भी आनंद आएगा मंडली बंदे गोपी गण करीन नर्तन मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र बीच में किशोरी जी के साथ नृत्य करेंगे भगवान आत्म राम है आत्म काम है फिर भी वे कमल कोरक पर मुग्ध लुब्ध भ्रमर की तरह जो कमल का कोर जो बीच में जहां रस भरा होता है वहां पर भ्रमर जब आके चिपक जाता है वो रस लेने लगता है ऐसे ही प्रेमी भक्तों के हृदय में विशुद्ध प्रीति रस निर्यास के आस्वादन के लिए अनंत काल से व्याकुल है कृष्ण जैसे भवरा जो है वो कमल कोर में चिपक जाता है रस लेने के लिए ऐसे ही श्याम सुंदर जो है अपने भक्तों के हृदय में जो प्रीति रस निर्यास जो प्रीति रूपी रस निकल रहा है उसका आस्वादन करने के लिए उनके हृदय में चले जाते हैं और व्याकुल है अनंत काल से वो रस लेने के लिए हमारे भीतर भी है पर हमारे भीतर हृदय में वो रस निर्यास नहीं हो रहा है वो रस भर नहीं रहा है सूखे पड़े तो क्या व्याकुल हो कृष्ण हमारे हृदय में आने के लिए संकीर्ताओं में भरा हुआ है हमारा हृदय <coughs> तो क्या करें क्या रस लें वो तो व्याकुल कृष्ण तो व्याकुल है। मगर कैसे लें हमारे भीतर रस निर्यास ही नहीं हो रहा है और जिनके भीतर रस निर्यास हो रहा है उनके हृदय में जाने के लिए व्याकुल हैं वो वो रस पाने के लिए मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमी विविधा क्रिया मैं अपने भक्तों के लिए विनोद के लिए करो मैं विविधा क्रिया में क्या क्या नहीं कर सकता हूं अपने भक्तों के विनोद के लिए अब ये बात से तो ऐसा लगता है कि भैया ठाकुर खुद प्यासे नहीं है मत भक्ता नाम विनोद आर्था करो मैं विविधा मैं मैं आपको बोलू माता जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताओ आप बोलोगे ठीक है तो जो करोगे मेरे लिए करोगे मतलब आपको तो कुछ नहीं है ना तो भगवान कह रहे मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं मगर जब भक्त कौन है बोले भक्त भी वही है जिनका हृदय जो है वो आत्म इंद्रिय वासना शून्य है अब जब भक्त भी आत्म इंद्रिय भक्त कैसा है बोले हमें आपसे कुछ कराने हम तो आपको कैसे आनंद आएगा वो करेंगे आपका आनंद किसमें है बोले मेरा आनंद इसमें है कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ करूं तो भक्त प्यासे हो जाते अच्छा चलो ठीक है या उल्टी गेम हो रही है हमें पाव भाजी खानी है हमें पाव भाजी खानी ठीक है भगवान अपने भीतर भी पाव भाजी की लालसा जगा लेते चलो मुझे आज ये भोग लगा दो क्योंकि तुम्हें पाव भाजी खानी चलो मैं भी आज पाव भाजी खा लूंगा भले पाव कहीं के आए हो किस बाऊ ने बनाया हमें नहीं पता मगर खा लेंगे क्योंकि तुम्हें पाव खाने हैं आज वो भी खा लूंगा खा लेंगे विग्रह स्वरूप जो है बड़े सरल है बड़े कोमल है बड़े दयालु है आपको जो खाना है वो खाने की भूख उनके भीतर भी आ जाएगी आपका मन कर रहा हो बहुत दिन से भैया चावल 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 खाने कड़ी चावल खाने कड़ी चावल खाने आप आप बना रही है बाहर से आके दे जाएगा फिर आप क्या बोलोगे ओ मेरे ठाकुर जी को कड़ी चावल खाने होंगे तभी बाहर से आ गए ठाकुर जी को कभी पटगी कड़ी चावल की मगर नहीं ठाकुर जी जो है कृपा करते आपके भीतर कड़ी चावल की इच्छा हो रही है ना तो वो कैसा दिखा देते हैं कि आपके मन में आएगा देखो देखो मेरे ठाकुर जी को कड़ी चावल खाने होंगे मैं बना नहीं रही थी बाहर से आ गए कड़ी चावल देखो इनको चाहिए होता ना कहीं से भी बनवा लेते वो आपके लिए बनवा रहे हैं मत भक्त नाम क्योंकि आपके मन में भी जो कड़ी चावल उबल रहे थे ना वो आपके मन के उबल रहे थे और फिर जब आते हैं तो हम लोग इस संतुष्टि से पा लेते कि ठाकुर जी ने पाना था तो चलो मैं पा लेता हूँ कड़ी चावल है ना हम लोग भी बड़े चतुर है और भगवान हमारी इसी चतुराई की सेवा कर रहे चलो तब ये ऐसा कर लो अब जब भक्त ऐसा हो कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं गोपियां कैसी हैं आत्म इंद्रिय प्रीति वासना शून्य मुझे कुछ चाहिए नहीं अब आपका क्या करेगा आत्म काम और आपके आप आत्माराम कहीं के आत्मा काम आप आत्माराम आप आपका आत्माराम आप आपका हमें भी कुछ नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए आपको मजा आता है हमें प्रसन्न देखने में हमें मजा आता है आपको प्रसन्न देखने में तो एक दूसरे के लिए प्यासे बन जो जो मेरे मन में आए कि मैं इनकी सेवा करूं वो वो सेवा ग्रहण करने के प्यासे बन जाएंगे ऐसे दिखाएंगे हाँ हाँ मुझे बड़ी प्यास थी और वो गोपियों की सेवा करती है तो गोपियों को ऐसा गोपियां ऐसा दिखाती हैं कि हाँ हाँ, हाँ हाँ हमारे हृदय में बड़ा काम है हमें हाँ, आप काम हम कुछ नहीं है वो किस लिए वो उनकी सेवा करने के लिए आपको सेवा करने में अस्वाधन आता है ठीक है मैं सेवा ले लेता हूं आप खुश हो जाओ आप कहो कि भैया मैं 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 खाना पहले सबसे पहले मैं सर्व करूंगी मैं अंत में खाऊंगी मैंने प्रण लिया सारे वैष्णव को खिला के मैं खाऊंगी मान लो मेरा भी यही प्रण हो तो एक वाइज व्यक्ति क्या होगा वो कहेगा भाई इनका बड़ा अच्छा प्रण है कि इन्हें प्रसाद सबको खिला के खाना चलो इनकी रह जाए मेरी कोई वो, मैं पहले खा लेता आप मुझे खिला दो और फिर ऐसे दिखाऊं मुझे तो बड़ी भूख लग रही है देखो मैं तो खा रहा हूं आप चाय एंड में खा खा आप लोगे चाहे हाँ, 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 कोई बात नहीं आप खाओ आप खाओ और वो कहेंगे तो फिर भूख लगी तो खा लिया मैंने एंड और यही बात ट्विस्ट करने के लिए वो लगे ठाकुर जी के अच्छा चलो चल तुम खुश हो गए ना चल ठीक है जैसे विष्णु पितामा के वहां पे वो कह रहे भैया अगर कृष्ण शस्त्र उठा लेगा ना वो अपना प्रण तोड़ देगा तभी वो जीत सकते हैं नहीं तो मैं सबको मार दूंगा ठाकुर जी ने कहा मां ऐसा प्रण ले लिया मैं 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 उठा लेता हूं। मेरे भक्त का प्रण है वो जूठा ना जाए मैं उठा लेता हूँ कोई बात नहीं ये कौन सेवा कर रहा है बोले ठाकुर जी सेवा करे भीष्म पितामा भीष्म जी ने तैस में आकर अब भगवान के सामने किसी की तैस चल सकती है कि अगर वो भी तैस में आ जाए सुबह भीष्म पितामह जी को कोरोना हो जाए तो भगवान तो क्या नहीं कर सकते आई ना पाए रणभूमि में निकले भगवान करें तो, 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 तो भगवान करें तो क्या लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा नहीं करे बोले इन्होंने सबके सामने प्राण ले लिया है कि या तो कृष्ण शस्त्र उठाएंगे नहीं तो पांचों पांडवों को मार दूंगा पांचों पांडवों को तो मरवाना नहीं है और भीष्मा ने प्राण ले लिया वहां भी जूटा नहीं करना क्या करें अच्छा चलो मैं उठा लेता इसका प्रण और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट जो झंडा उठा लेंगे भैया भगवान की भी वाणी झूठी हो गई तो वो कहे भैया मैंने तो पहिया उठाया रथ का कुछ कोई मैंने शस्त्र तो उठाया नहीं है तो तुम भी चुप करके बैठ जाओ ऐसा भी नहीं थी कि तुम बैठ जाओ यहाँ पे तो सबरी बात रख लेते हैं एक ही बात से सबकी बात रख लेते हैं तुम भी चुप करके बैठ जाओ तुम भी और अपने भक्त को भी आनंद दे दे, दे। भक्त कहे अब ये नहीं कह सकते बीच में भी पितामा की भैया तुमने पहिया उठा वो क्या तुमने मारने के लिए उठाया था जो चीज मारने के लिए उठाई जाए वो शस्त्र है मारा तो नहीं तो शस्त्र नहीं है वो कह मैं तो शस्त्र नहीं है मैं पहिया उठाए मैं खेल रहा था मारा तो नहीं मैंने जब तक मारा नहीं तब तक शस्त्र कैसा भीष्मी किता मारने के लिए तो आ रहे थे तो शस्त्र तो था उस समय मारा नहीं फिर शस्त्र नहीं रह गया दोनों की बात रह गई दोनों की बात सत्य उठाया तो मारने के लिए था तो जब आपने मारने के लिए उठाया उस समय वो शस्त्र था कृष्ण के मैंने मारा तो नहीं तो शस्त्र नहीं है एंड में क्या हुआ शस्त्र नहीं है तो दोनों की बातें पूरी कर दी भगवान ये तो भगवान की चातुर्य हाँ। जब मारा नहीं और उधर फेंक दिया तो वो जहां गिरा वो एक चक्रधाम है जहां नित्यानंद रो हुआ है लीला से लीला लीला से लीला बंधी हुई है सब एक के एक आगे कड़ी जुड़ी हुई है तो खैर तो यहां आत्मराम आत्मकाम है यहां वो बोल रहे हैं कि मद नाम विनोद आरती करो में विधा किया लेकिन ये विविधा क्रिया उनकी चलती नहीं गोपियों के आगे क्योंकि गोपियों का विनोद है ही क्या गोपियों का विनोद उनके हृदय में भी उनके हृदय में कि आपका विनोद हो जाए तो परस्पर एक दूसरे के साथ उनकी चल रही है परस्पर को सुखी करने के लिए परस्पर व्याकुल इसीलिए विलास अद्भुत विलास है एक दूसरे को सुखी करने के लिए दोनों व्याकुल हैं। श्रीपाद शुभ मुनि ने कहा रास मंडल में परम प्रिय श्री कृष्ण के साथ सम्मिलित ब्रज सुंदरियों के वलय नुपुर किंकणी समूह से निकली स्वलहरी के तमुल शब्द उठाए तुमुल शब्द तुमुल शब्द मतलब एकदम वही ग्रैंड विस्तार जैसे एकदम ढोल नगाड़े बज गए ऐसे तुम्ल तमुलटस यहीं से निकला होगा तमुलटस साउंड ऐसी निकली और किसकी निकली है ये बोले वलय नूपुर और किंकनियों की यहां पे ये दो लोग मृदंग बजा रहे हो तो आप जितनी मर्जी किंकड़ी बजा लो भैया वहां की आवाज ना आएगी और वहां पे सबसे ज्यादा आवाज किसकी है बोले उनके कंकनों की उनके नुपुरों की वो विलाप कुसुमांजलि में है ना लीला जो किशोरी जी नृत्य कर रही हैं तो उनके नूपुरों में से एक घुंगू निकल जाता है मानो सौ डेढ़ सौ घुंगू उसके उनके नूपुर में हैं तो नूपुर में से एक घुंगरू नीचे गिर गया वो गिर गया तो श्याम जी को आनंद नहीं आ रहा वो कह रहे कोई चीज मिसिंग हो रही है मैच तो हो रहा है मिसिंग हो रही है एक, एक इंस्ट्रूमेंट कम पड़ गया जैसे और वो क्या इंस्ट्रूमेंट है किशोरी जी के नूपुर के घुघरुओं में से एक घुंगरू गिर गया है और सब वो कह रहे फीका पड़ गया और मंजरी ने देख लिया कि वो एक घुंगरू गिरा हुआ है और मंजरियों की क्या एक्सपर्टनेस है किशोरी जी नृत्य कर रही है शाम जो वेणू बजा रही है नृत्य करते करते उनके चरणों में वो नूपुर जाके फिट कर दिया आज भी एआई आ जाए रोबोटिक आ जाए ऐसी टेक्निक नहीं है भैया इतना चलते चलते कैसे एकदम फिट कर देगी डॉक्टर को बोलो सर्जरी कर दे भैया पेशेंट नाच रहा है तो उनके हार्ट की सर्जरी कर दे नहीं कर सकता बेहोश करना पड़ेगा पहले भैया एकदम हिले ना ये तब कर पाएंगे और वहां का हिलते हिलते इतने इतनी तेजी से हिलाते हिलाते वहां पे एक नूपुर जाके फिट कर दिया वैसे ही रास प्रारंभ हो गया वैसे ही नृत्य प्रारंभ हो गया करे कर मंडित मंडली माज नाचत नागरी नागर राज बाजत कतकत -कत, यंत्र सुतान कतकत -कत, राग मान करू गाना क्या हो रहा है करे कर हाथ में हाथ पकड़ के मंडित मंडली मांझ एक मंडली बना लिए नाचत नागरी नागर राज सब जो सखियां हैं और नागर राजे सब हाथ में हाथ पकड़ के गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण ऐसे लगे हुए एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण ऐसे करे कर मंडित मंडली माज नाचत नागरी नागर राज बाजत कत कत यंत्र सुतान न जाने क्या क्या यंत्र नहीं बज रहे आप ऐसे मत सोचना घुंगरियों की आवाज इसलिए आ रही होगी क्योंकि मृदंग कोई बजा ही नहीं रहा होगा सब जोर जोर की बज रहा है और कौन कौन से अब दो तीन होते तो नाम ले लेते बोले बाजत यंत्र सुतान कतकत कत राग मान करु गान और ना जाने कौन कौन से गीत गाए जा रहे हैं कैसे कैसे राग गाए जा रहे हैं कंकण किंकड़ी वलया निशान लेकिन इनकी एक अलग बात है जो ये बज रहे हैं अपरूप नाचत राधा कान कान मानी कन्हैया कृष्णा अपरूप नाचत और अद्भुत इनका नृत्य हो रहा है जनु नव जल धरे बिजुर्ग भाती जैसे एक नव नवायमान बादल में बिजली रुक जाए बिजली रुकती नहीं है एकदम चमक गहर जाती वो बिजली रुक जाए ऐसे ऐसे भाती कह माधव दू ए छत कांति ऐसी कांति उनके भीतर से निकल रही है बोले महाभाव के नूपुर हैं ये महाभाव ने जो पहने हैं जो धारण किए चरणों में वो महाभाव से ही निर्मित नूपुर है कोई लोहे के सिल्वर के सोने के डायमंड के नहीं है महाभाव से ही निर्मित है इसीलिए नृत्य के ताल ताल पर सरस झंकार करते हुए बज रहे हैं मानो एक एक नूपुर में जैसे एआई फिट है जो आज हम एआई एआई कर रहे हैं एआई फिट है वहां पे, वो बिल्कुल जैसा वो राग गाएंगी वैसे ही बजेंगे साथ में म्यूजिक साथ। के साथ महाभाव के हाथों में महाभाव के ही कंकण है नृत्य अभिनय के ताल ताल पर झंकृत हो रहे हैं कोटि गोप, गोप बालाएं जो हैं उनके सम्मिलित नूपुर कंकण आदि के सरत शब्द से रास मंडल मुखरित हो उठे हैं ऋण 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 ऋणु झुनु 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 कंकण कंकण ऋण रणिया है महाराज जब 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 रस में आदमी आ जाता है तो क्या क्या फिर झम जम झम -जम झमक गागर कटी किंग कड़ी कंकण झूमरी धनी धनिया डगमग डगमग डम्फ डिमकी डिमी डिमी पीपी वेणु निशाने ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं सब ये सब जो अनुभवी हैं वो जान रहे हैं कैसी कैसी क्या क्या आवाज आप करो क्या क्या बोले जा रहे बड़बड़ बड़बड़ कर <laughs> चलत चित्र गति नर्तन पद आदि माधव ए रस गाने ऐसा रस चल रहा है गाने वाले देखो बड़े बड़े कवि जो हैं वो अब कैसी कैसी रचनाएं कर रहे हैं क्योंकि वो सब अनुभव कर रहे हैं वो सुन रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है कोटि कोटि ब्रज सुंदरियां नृत्य कर रही हैं किंतु किंकरी की दृष्टि जो है वो अपनी राशेश्वरी राधा के चरणों की ओर ही निबद्ध है ये सब हो रहा है वहां पे इतना कुछ हो रहा है ऐसा नृत्य हो रहा है ऐसा गान हो रहा है ऐसा सब हो रहा है सब आवाज आ रही है आनंद हो रहा है रस मेला हो रहा है लेकिन किंकरियां किशोरी जी के चरणों की ओर ही देख रही है वे श्री राधा जिनके नृत्य और कंकण किंकड़ी नूपुर के सुमधुर रव पर श्याम सुंदर भी मोहित है और श्याम सुंदर भी इतने सब आवाज के बीच में जो किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि आ रही हो वहां में ही मोहित हो रहे हैं सबसे ज्यादा जिनकी रास माधुरी के आस्वादन के लिए ही ये रास महोत्सव का अनुष्ठान हुआ है आदमी को शादी तो एक ही से करनी है लड़की से बोले भैया इतना झंझट क्यों हजार लोगों को इनवाइट कर लिया खाना खिला दिया पच्चीस लाख रुपए लगा दिए भैया शादी तो इससे करनी थी जाके कर लेता तो बोले नहीं महोत्सव कब होता है जब सबके बीच आनंद आएगा भैया हम शादी करें सब देखे देखो मेरी इससे शादी हो रही है इसीलिए इतना बड़ा महोत्सव किया जाता है तो ये इतना बड़ा रास महोत्सव क्यों है किशोरी जी के साथ ही आनंद लेने के लिए आप बोलो आनंद किशोरी जी से लेना था तो सबरी गोपी हो गया बोले महोत्सव कैसे होगा फिर महोत्सव तो तभी महोत्सव का आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है हैं तो आप कहोगे भैया बुलाओ जरा तीन सौ चार सौ पांच सौ लोग हो जाए बढ़िया हो जाए मजा आए जरा हम बोले भैया क्या जरूरत है घर में बैठ के बच्चे का केक काट के बर्थडे वो बहुत सब नहीं होगा जब सब आए सब देखे आनंद होगा ऐसा तो महोत्सव रास में जो हो रहा है हो किसके लिए रहा है किशोरी जी के लिए अपनी ईश्वरी के गौरव से किंकरी का हृदय भर अब इ, किंकरी जो है उसका गौरव बढ़ जाता है देखो हमारी ईश्वरी के लिए ही ये सब हो रहा है सबके सामने कीर्तिमान स्थापित की जा रही है कि इनसे ऊपर कोई नहीं है वे राशेश्वरी राधा उसकी अपनी ही ईश्वरी है ना इसलिए ऐसा निविड़ ममता की अतिशयता के कारण स्नेही किंकरी ने निज राशेश्वरी कह के पुकारा अगर हम श्लोक देखें तो क्या आता है परम निज राजेश्वरी चरण वीक्षामहे वीक्षरंतु वीक्षक्रे वीक्ष मतलब देख रहे हैं क्या देख रही है चरण लक्ष्म चरण चिन्ह देख रहे हैं अपनी किशोरी जी के मुग्ध हो गई हूं कि चरण चिन्ह देख के चरण चिन्ह वेरी स्ट्रेंज राधा रानी सामने खड़ी हैं कृष्ण सामने खड़े हैं नित्य खड़े है और वो चरण चिन्ह देख रही हैं क्योंकि रस है उनके चरणों में हमारे कंठों में प्रणय श्याम सुंदर के विशाल बाहुदंड पड़े हुए हैं पर हम अपनी रसेश्वरी श्री राधा के चरण चिन्ह ही देखकर विवोर होंगी इससे बड़ी इससे बड़ा क्या आप दे दोगे कि कृष्ण हमारे गले में हाथ डाल के खड़े मगर तब भी हम वहीं देखेंगे अब इसमें एक बात आ गई भैया श्री राधा किंकरिया रास में कृष्ण बद होकर नृत्य तो करती नहीं है किंकरिया जो है वो तो ऐसे नृत्य नहीं करती सखियों की तरह गोपी खड़ी कृष्ण कृष्ण खड़े गोपी खड़ी 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 सखियां हैं किंकरियां तो ऐसे नहीं खड़ी होती वो तो रास नृत्य के बीच में नहीं आती वे रास में उपस्थित होकर रासेश्वरी श्याम सुंदर और जो सखियां हैं वो तो उनकी विविध परिचर्या करती हैं सेवा करती हैं जिसको जो चाहिए वहां को वो देती हैं फिर यहां किंकरी भाव विश्रीपाद ने यह बात क्यों कही ऐसे क्यों बोला कि हम श्याम सुंदर की भुजाओं में बद होकर श्री राधा के चरण चिन्ह दर्शन ही करेंगी ऐसा क्यों बोला तो बोलते इसके उत्तर में बताते कि रास में कृष्ण द्वारा बाहुबध होकर किंकरियां भले नृत्य नहीं करती पर सखियां नृत्य करती है ये कौन है किंकरियां बोले ये भी सखियां ही तो हैं इनमें और सखियों में क्या भेद है इनमें मंजरिया मंजरी सखी मंजरी है और वो सखी है इनमें क्या भेद है पांच प्रकार की सखियों में एक सखी मंजरी भी होती है, है तो सखी है दासी नहीं है पर इनको परिचर्या करना ही इनकी मुख्य इंटरेस्ट है इनका कृष्ण में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर अकेले मिले तो अगर किशोरी जी के साथ है तो फिर अपने है। तो कृष्ण के साथ संलग्न होने में इनकी कोई रुचि नहीं है तो ये जो मंजरी है और जो सखी है।, है तो सखी अभी हम अलग अलग करने के लिए दो शब्द ले लेते हैं एक सखी एक मंजरी तो ये जो मंजरी क्या हो गया माता जी अच्छा पानी वानी पी सकते हो <laughs> तो ये जो मंजरियां हैं इनको सखी से कैसे अलग किया जा सकता क्या <laughs> क्या अलग बात है बोले सखियां जो हैं ये जब राधा रानी की इच्छा होती है तो समय समय पर यह सखियों के भीतर नाइकत्व भाव आ जाता है नाइकित्व मतलब हीरोइन ऑफ हीरो मेन हीरोइन के रोल में आ जाती है जब राधा रानी की इच्छा होती है तो सखियां राधा रानी के सुख के लिए बीच बीच में श्री कृष्ण के साथ निज अंग संग भी स्वीकार कर लेती हैं और यह जानकर कि ऐसा करने से श्री राधा रानी को प्रसन्नता होगी उन्हें आनंद मिलेगा वो परम आनंद में विभोर हो जाती वो भी क्यों करती है क्योंकि राधा रानी चाहती है यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मन तथापि राधिका यतने यत्न कराए मिलन नाना छले कृष्ण ंगम कराए नाना छल करके कैसे कैसे करके किशोरी जी जो है उनका कृष्ण के साथ संग कराती है आत्म कृष्ण संग हईते कोटि सुख पाए और अपने कृष्ण के साथ जो संग होता है उससे कोटि गुना सुख उन्हें ज्यादा मिलता है जब सखियां जो है क्योंकि सखियां भी उनकी निज सखियां उन्हें बड़ा आनंद मिलता है कि सखियां जो है ये कृष्ण के साथ जाए अन्योन्या विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट और कृष्ण देखते हैं इनका एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है कितना इनका आबाद प्रेम है एक दूसरे के प्रति विशुद्ध प्रेम है ता प्रेम देखी कृष्ण हाई तुष्ट और कृष्ण ये देख के तुष्ट हो जाते कि इनका आपस में कितना प्रेम है अब उदाहरण के लिए इस जगत में मैं बच्चों का ले रहा हूं बीवियों का तो ले नहीं सकता भैया किसी के दो बच्चे हैं और बड़े आपस में मिलजुल के रहते हैं अच्छे से रहते हैं तो माता पिता बड़े सुखी होते हैं कि देखो हमारे बच्चे आपस में कितना आपस में प्रेम करते हैं सब से लेना होगा ये तो बोल नहीं सकता भैया जो लीला में हो रहा है तो दो बच्चे आपस में प्रेम से रहते हैं बड़े अच्छे से रहते हैं तो माता पिता बड़े संतुष्ट बड़े तुष्ट रहे हैं हाँ देखो इनका आपस में कितना प्रेम है यही हम चाहते थे तो ऐसे यहां गोपियों का सखियों का और राधा रानी का आपस में ऐसा प्रेम देख के श्याम सुंदर जो है वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं किशोरी जी उनके साथ अंग संघ करा के प्रसन्न होती हैं और जो सखियां हैं वो प्रसन्न तब होती हैं जब राधा रानी ही उनके साथ अंग संग करे अब ये हैं तो सखियां मंजरी मगर मंजरियों में क्या है इनमें ऐसी निष्ठा है कि वो कहे किशोरी जी आप कुछ भी कहो लेकिन आपको छोड़ के हमें कृष्ण भी नहीं चाहिए ये हम नहीं कर सकते हम अंग संग भी नहीं कर सकते जैसे यूं समझो कि रामायण में एक भाई लक्ष्मण और एक भाई भरत लक्ष्मण जी कैसे बोले राम जी आप जहां जाओगे मैं वहीं जाऊंगा इनरेस्पेक्टिव ऑफ दिस आप क्या बोल रहे हो राम जी ने बड़ा समझाया हम वनवास को जा रहे हैं अभी यहाँ भरत शत्रुघ्न है नहीं लक्ष्मण तुम रुक जाओ माताओं की सेवा के लिए पिताजी की सेवा के लिए बोले भैया कोई फायदा नहीं आप यहाँ महल से बाहर निकलोगे मेरे प्राण निकल जाएंगे फिरिंग की सेवा करने के लिए कोई नहीं बचेगा तो क्या प्रयोजन मेरे को यहाँ छोड़ के जाने का एक बंदा और मार दोगे राम जी ने कहा भैया तू संगी चल भैया और लफड़ हो जाएगा यहाँ पे पीछे कुछ हो गया तो तुम समझ लो अब भरत जी को समझा बुझा के समझा तुम वहीं जाओ तुम राज्य देखो तुम माताओं की सेवा करो ये करो वो करो वो आ गए समझ गए अब ये नहीं कह सकते कि लक्ष्मण जी का ज्यादा प्रेम है भरत जी का कम है भरत जी का ज्यादा है लक्ष्मण जी का कम है दोनों का प्रेम है पर दोनों के प्रेम का स्वभाव है प्रेमी का अलग अलग स्वभाव होता है और दोनों ही चाहिए तो यहां पे सखियों का क्या स्वभाव है कि वो राधा रानी के कहने पे कृष्ण का अंग संग कर लेती हैं और मंजरियां कहने पे भी कृष्ण का अंग संग उ, हमें नहीं चाहिए भैया ये हम आप ही के संग रहेंगे आप हमें छोड़ दोगे हम निष्प्राण हो जाएंगे मर जाएंगे हम हमारे प्राण आप में बसते आपको छोड़ के हम कहे कृष्ण के सामने ना, ना, ये नहीं कर सकते हम बिल्कुल नहीं हो रहा यही कारण है कि ललिता आदि सखियों की तरह इनमें नायकत्व कभी नहीं आता नायकत्व नहीं आएगा इनमें ये तो स सखी युगल की विविध परिचर्या में ही समर्पित प्राण है हमारे सारे प्राण समर्पित इसमें सखी भैया जब अकेले कृष्ण चाहिए नहीं तो फिर तो सखी रहेंगी फिर तो सखियों के साथ ही रहेंगी अकेले कांत के साथ जाना हो तभी आदमी अपने थोड़े दोस्तों के साथ डिफरेंस बनाता है भैया एक को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले जाना है या लड़की क्या है मेरे को इसके साथ जाना है हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी तो उसके साथ अब यहां ऐसा कोई है ही नहीं तो हमेशा स सखी रहते हैं हम बोले भैया लड़का बड़ा अच्छा था हमारे साथ ही रहता था बातें करता था कुछ करता था अब नहीं करता क्या हो गया लड़की आ गई ऐसा बोलते ना बीच में अब इसको दोस्त सही नहीं लगते तो स सखी सखा कोई कब कह कब रह सकता है जब बोले कोई कांत भाव का कोई लेना देना ही नहीं है अब तो वो सहलियों के बीच में ही रहेंगी तो इसीलिए ये तो स सखी युगल की विविध परिचर्या में समर्पित प्राण हमें अकेले कृष्ण चाहिए नहीं तो हम तो हमेशा सखियों के साथ ही रहेंगी इसी बात को लेकर सखियों की अपेक्षा मंजरियों का वैशिष्ट है इसीलिए राधा रानी की थोड़ा ज्यादा क्लोज हो गई क्लोज ऐसे के निवृत निकुंज में जब श्याम सुंदर और किशोरी जी का विलास चल रहा है तब भी वहां पे प्रवेश कर देंगे क्यों उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कृष्ण में तो एकदम राधा रानी की परछाई की तरह है ये सौभाग्य में सखियों से श्रेष्ठ है फिर भी पद मर्यादा में सखियां श्रेष्ठ है अगर हम ऐसे देखा जाए तो ललिता सखी उन्हें ऑर्डर दे देती है कि अरे मंजरी तुम ये कर लो तुम किशोरी जी की ये सेवा कर लो तुम रात को इनके संग संग जाना इनको छोड़ना मत बिल्कुल इनके एकदम साथ साथ परछाई की तरह के पीछे रहना ये सेवा करना ये सेवा करना ये कर लेना क्यों क्योंकि मेरा संभ्रम है ललिता का संभ्रम है कि भैया मैं थोड़े साथ जा सकती हूँ वो कृष्ण के साथ संग करें अजीब लगेगा कभी तो कृष्ण मेरे साथ भी करते हैं आप उनके साथ करें तो अजीब लगेगा अब मंजरियों के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं भैया हमने तो कभी करना ही नहीं हमारी तरफ से तुम जो मर्जी करो हमारा तुम में इंटरेस्ट हम तो अपनी किशोरी जी के साथ है तो इसीलिए सोशल अगर उसमें देखें तो सखियां जो हैं वो थोड़ी ऊपर हैं ऑर्डर दे देती है क्योंकि वो आयु में बड़ी हैं वहां ऐसा नहीं है ना कि भैया ये डीएम है ये डीसी है ये ये है ये एसडीएम है नहीं है नहीं वो जो उम्र में बड़ा है वो थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्टफुल है है ना तो सखियां थोड़ी बड़ी होती है तो मंजरियों को वो सौभाग्य मिल रहा है वो दर्शन मिल रहे हैं जो सखियों को भी नहीं मिलते कहने को ये कहते सखियों को नहीं मिलते पर सखियां वो लेती भी नहीं है क्योंकि थोड़ा संभ्रम है पर अब क्योंकि नहीं लेती तो उनको जो मिल रहा है तो उनका सौभाग्य उनसे ज्यादा हो गया जो आस्वादन उन्हें मिल रहा है तो सखियां रास नृत्य के समय कृष्ण बाहुबध होकर नृत्य करती हैं और किंकरियां वीजन आदि की सेवा करती हैं सखियों को तो वो उन्होंने बाहुबध बन अपना बना हुआ है किंतु सभी की दृष्टि अपनी राशेश्वरी राधा में ही निबद्ध है सखियों की भी जो सखियों को कृष्ण ने गले में आठ डाला हुआ है वो भी राधा रानी की ओर ही देख रही हैं और जो बीजन इत्यादि बाहर से मंजूरिया कर रही हैं वो भी राधा रानी की ओर है किया कृष्ण बाहुब्ध होकर नृत्य नहीं करती हम्म क्योंकि किंकरिया तो वो कर रही है विजन कर रही है पर सखियों को प्रधानता देकर पद मर्यादा के गुरुत्व की दृष्टि से कहा है कि हम प्रणय कृष्ण की जो उन्होंने बोला कि हम प्रणय कृष्ण की भुजाओं में बद होकर नृत्य करें तब भी हमारी दृष्टि श्री राधा के चरण चिन्हों में होगी क्यों क्योंकि अपने आप को सखी मान रही है ना सारी की हम सारी सखियां ही हैं तो सखियों को थोड़ा प्रायोरिटी देके ऐसे कह रही हैं जैसे अब मैं भी हूं ये भी हैं ये भी हैं अब ये 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 मैं गा रहा हूं ये मृदंग बजा रहे हैं वो कोई करताल बजा रहा है कोई हारमोनियम बजा रहा है तो हम बोले चाय बजाते बजाते अब मैं सिर्फ गा रहा हूं मैं कुछ बजा नहीं रहा हूँ हैं तो मैं बोलूँ चाय बजाते बजाते हमारे कितने हाथ थक जाएँ मगर हम कीर्तन दो घंटे से कम नहीं करेंगे अब कोई बोले महाराज आपके कौन से हाथ थक रहे हैं hmm. मृदा हम ब रहे हैं जोर जोर की हम बजा रहे हैं तुम तो सिर्फ गा रहे हो तुम कह रहे हो चाहे हमारे हाथ थक जाए मगर बोला जब हम करके बोला जाता है तो जनरल बोला जाता है कि भाई चाहे हमारे हाथ थक जाए चाहे कुछ हो तो ऐसे मंजरियाँ कह रही हैं कि चाहे हमारे कृष्ण के हाथ हमारे गले में हो कुछ हो लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो आप ही की ओर रहेगी अभी हम करके बात हो रही है ना तो इसलिए सखियों की बात हो रही है और एक बात ऐसे भी है कि कई बार कृष्ण जो है वो मंजरियों के साथ भी छेड़ाखानी करते हैं किशोरी जी के इंगित करने पर तो वो उनको पकड़ लेते हैं कभी उनको बाहू में पकड़ लेंगे कभी उनको गले में हाथ डालेंगे कभी कुछ करेंगे अलग अलग, अलग प्रकार से छेड़खानी करते हैं और मंजरियां जो है वो वहां से हटती हटेंगी ये सब आप हमारे साथ मत किया करो ये सब किशोरी जी के साथ किया करो यूँ किया करो तो बोले क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा हमारे गले में हाथ भी डालने हमें तब भी उनसे कोई लेना देना नहीं है हम तो केवल आप ही की चरण चिन्हों की ओर देखेंगे ऐसा हो सकता तो हम प्रणय कृष्ण की भुजाओं में बध होकर नृत्य करें तब भी हमारी दृष्टि श्री राधा चरण चिन्हों में निबद्ध रहती है और यहाँ कृष्ण को फिर प्रणय शब्द क्यों बोला बोले यहाँ कृष्ण को प्रणय शब्द कहके अपी प्रणय भुज गृहित कंठ वयम ऐसे कह के क्यों बोला प्रणय तो बड़े अपने को बोला जाता है बोले वो इसीलिए क्योंकि जो सखियों के साथ एक साथ बोल रही है तो ये जो राधा रानी के पक्ष की सखियां है ना ये कृष्ण के साथ ऐसे नृत्य करती हैं कि बिल्कुल हाथ के साथ हाथ हाथ के साथ हाथ मुख के साथ मुख पैर के साथ पैर एकदम एक जैसे इनके अंदर कोई संभ्रम या संकोच नहीं है जो दूसरी जो पदमा शैव्य आदि जो चंद्रावली की गुट की जितनी भी सखियां हैं उनके भीतर संभ्रम रहता है अरे अरे श्यामजू के हमारे पैर के श्यामजू के पैर पर टच ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि जोर का हाथ लग जाए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे चरण उनको टच हो जाए ऐसा ना हो चंद्रावली मैंने बताया ना वो और थोड़ी निर्मल निर्मल तो सर सारे ही हैं लेकिन और थोड़े अलग स्वभाव के थोड़ी सॉफ्ट है इनोसेंट है इनोसेंट तो इनोसेंट इतनी है कि उनके भीतर सम्भ्रम आ जाते है। तो वो कृष्ण के साथ वैसे नृत्य नहीं कर पाती एकदम अब भैया अगर नृत्य करना है तो थोड़ा संभ्रम संकोच छोड़ना होगा एक के साथ एक स्टेप मिला के अगर आप कह रहे कि अब यार वैष्णव में पैर ना लग जाए ये ना हो जाए वो ना फिर आप नहीं नृत्य कर पाओगे है ना तो ऐसे ही वो बोले उनके अंदर संभ्रम संकोच रहता है पर यहाँ ये प्रणय इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इनका कृष्ण के साथ जो नृत्य हो रहा है वो बिल्कुल निबद्ध एकदम ऐसा एक एक कोई उसमें ऐसा लगता है जैसे हमें हम और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं रहा इतना एक साथ मिल हो रहा है और नित्य छंद में सुकोमल बालुका पर श्रीमती के चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं जो वहां पे रेत है जो बालुका है वहां पे वहां पे किशोरी जी के चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं बालुका है तभी चरण चिन्ह अंकित होंगे नहीं तो कैसे होगा अगर कठोर भूमि होगी तो भूमि भी बड़ी सॉफ्ट हो गई है क्योंकि आज रास नृत्य होना है वो पदांक देख कर दासी के आनंद की सीमा नहीं रहती वो चरण चिन्ह देख लेती है क्या अब हमने थोड़े दिन पहले एक श्लोक पे चर्चा करी थी जिसमें श्याम सुंदर मिलने जा रहे हैं रात्रि के समय और वो मिलन को छोड़ के चरण चिन्ह दिख गए वो वहीं वाँग पे वहां की रज को अपने ऊपर लगा लगा के आनंद ले रहे हैं तो जिसमें चरण चिन्ह में विचित्र रस अथवा आस्वादन समूह है वह रास लीला है सभी ब्रज सुंदरियां रास रसिक को अतिशय आनंद प्रदान कर रही हैं, किंतु उस रास समूह की अधीश्वरी है श्री राधा किंकरी ने यह बात लीला में अनुभव की है जो रस सिंचित वहां की जो बालू है बोले किशोरी जी कौन है वो रस समूह है और उनके चरणों का रस निकल के जब बालू में जाता है तो बालू के चरण चिन्ह जो है उनमें वही रस आ गया है जो रस किशोरी जी में है उनके वो चरणों के रस से सिंचित है मिश्रित है वो बालू मोइस्ट है थोड़ी भीगी हुई है काय से भीगी किशोरी जी के रस से तभी तो चरण चिन्ह में वो आनंद आ रहा है इतना आनंद क्यों आ रहा है क्योंकि वही रस जो किशोरी जी में अब वो उस बालू में मिलके चरण जन्म में आ गया है। ये बात मान्यता की नहीं है ये बात अनुभव की है मान्यता जीव की बदल जाती है बार बार बदल जाती है मान्यता इधर उधर होती रहती है आज ये मान्यता है कल वो मान्यता हो गई कल ऐसे हो गई कल वैसे हो गई आज हमने देखा भैया ओहो करेले खाने के बड़े फायदे ये है वो है वो है आंवला खाने के ये फायदे मैंने मातरी को मातृ मातृ मैंने दूसरी रील देखी है उसमें देखा आंवला खाने का ये ये नुकसान है ये क्या है ये हैं बदल रही हैं अब मान लो कि एक खाने से आपकी सबरी बीमारियां दूर हो गई अब क्या हुआ ये अनुभव हो गया अब ये नहीं बदलेगा आपको तू जो मर्जी कह ले भैया मेरी बीमारी खत्म हो जाए मैं जानता हूं तुम तो मंजरियों को श्रीपाद को अनुभव हुआ है ये जो चरण चिन्ह उनके देखे है, उसमें जो रस निकल रहा है किशोरी जी की प्रधानता जो सब में देखी है अनुभव हुआ है ये मान्यता नहीं है केवल मान नहीं है हां ऐसा होगा कि जोरी की सबसे ऊपर होंगी वैसे तो ब्रज में है ना ये मान्यता नहीं है ये अनुभव है किंकरी ने ये बात लीला में अनुभव की है रासेश्वरी के चरण कमलों से निस्यंदित होकर चिन्मय रेणु प्रेम रस से सिक्त हो रही है ये अनुभव किया है नहीं तो कैसे समझ में आएगी यार वहाँ राधा रानी नाच रही हैं कृष्ण नाच रहे हैं सबरी गोपियां नाच रही हैं है। वहां के मुख को देखो वहां के डांस को देखो वहां की जो एक धन धन जम बज रही है वहां को देखो वो सब सुनो वो आनंद ना लेके तुम्हारी दृष्टि कहां चरण चिन्ह में जा रही है अरे चरणों को देख लो पर चरण तो इतनी जोर की घूम रहे हैं हिल रहे हैं नृत्य कर रहे हैं पर अब चरण चिन्ह वहीं स्टिल हो गए और सीखते उन्हीं के रस से झरझर रस बह रहा है उन चरण चिन्हों में ये केवल अनुभव से इसका आनंद आ सकता है तो इसीलिए बोल रहे किशोरी जी ने किशोरी जी की किंकरी ने यह अनुभव किया है सहसा ये देखते इस स्फुर में विराम आ गया श्रीपाद ने हाहाकार करते हुए राशेश्वरी के चरण चिन्ह देखने की अब अब, अब, अब चरण चिन्ह आपको आते हुए देख लिया नित्य के रूप पर आपके चरण अब यही देखना है ये देखने की प्रार्थना कर रहे हैं साधक भक्त भी ईश्वरी के उनतीस चिन्ह जो उनके चरण चिन्हों में होते कभी अलग से इसकी चर्चा करेंगे उनतीस चिन्ह उनके जो श्री पाद में है वहाँ का नित्य ध्यान करके प्रेमानंद रस में निमज्जित हो यही इसकी सार शिक्षा है जो चरण चिन्ह वो देख रहे हैं वही चरण चिन्ह आप भी देख के वहाँ के जो नतीस चिन्ह हैं वहाँ को याद करके ऐसे चरण चिन्ह को देखो और जो अनुभव मंजरी ने किया है किशोरी जी की कृपा हो आपको भी वही हम सबको वही अनुभव प्राप्त हो वो रस प्राप्त हो इसी के साथ बाबा इस श्लोक का विराम कर रहे हैं अगले श्लोक पे चर्चा फिर बीच बीच में करेंगे और अब कोशिश करेंगे कि अब जो हमारी ये जो सप्ताह में एक बार मिल के जो कथा होती है वो फिर से गौरलीला प्रारंभ कर दे और रास ये तो जो राधा रसुदा ने दिखी है ये बीच बीच में बीच बीच में जब भी होगा जैसे होगा अगर कोई मुख्य श्लोक होगा जैसे ये रास लीला के प्रसंग थे तो ये मेरा मन नहीं था कि ये अकेले में बैठ के लिया जाए आप सबके साथ ही हो ऐसा कोई प्रसंग होगा तो बीच में भी कर लेंगे नहीं तो सब वो तो क्लास में कर लेंगे नहीं तो वो सब बीच में चलेंगे और आगे गौर लीला प्रारंभ जय श्री